आपका अपना यूपी ब्लॉग्स अब है कारवां टीवी, हर पल आपके साथ, बने रहें हमारे साथ। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। जिला अस्पताल में बनी कोविड 19 बीएसएल 2 आरटीपीसीआर लैब का सीएम योगी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। जिला अस्पताल पहुंचे अपर मुख्य सचिव और नोडल अफसर डॉ नवनीत सहगल ने लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। यूपी की योगी सरकार कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही है। रोजाना ज्यादा जांचें हों, इसलिए बरेली के जिला अस्पताल में आज कोविड 19 लैब का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ऑनलाइन उद्घाटन किया। बरेली में अपर मुख्य सचिव नोडल अफसर डॉ नवनीत सहगल ने लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया। बरेली के जिला अस्पताल में आज कोविड-19 बीएसएल 2 आरटीपीसीआर लैब का सीएम योगी ने लखनऊ से ऑनलाइन उद्घाटन किया। बरेली में अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल लैब का उद्घाटन करते हुए बताया कि इस लैब में रोजाना 100 सैंपल्स की जांच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का इस लैब को बनाने में करीब 50 लाख का खर्च आया। नवनीत सहगल का कहना है कि सरकार की मंशा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक जांचें हों। बरेली में इसके अलावा आईवीआरआई और ट्रू नॉट से भी जांचें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में रोजाना 500 जांचें कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। सीआर मशीन की यहां स्थापना हुई है। ये मशीन जो है प्रतिदिन 100 टेस्ट कर सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उनका प्लान है और ये निर्देश है, और ये हम उनके बिहाफ पे हमने सीएमओ साहब को भी निर्देश दिया है कि जो सैंपल्स हैं उनकी टेस्टिंग की संख्या हमको बढ़ानी है। सरकार यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी टेस्ट हो जाएं, तो उनके सैंपलों की संख्या बढ़ाकर उनको टेस्ट करने की तरफ सरकार का जो प्रयास है उसमें आज ये लैब यहाँ पर स्थापित हुई है। इसमें जैसा इन्होंने अभी बताया, शुरुआत में 100 हैं, पर डे करेंगे, और जैसे जैसे ये मशीन रमा हो जाएगी और टेस्ट इससे हुआ करेंगे। कोशिश ये है कि ज़िले में अधिक से अधिक सैंपल लेके टेस्टिंग हो, ताकि अगर कहीं बीमारी कोई कहीं की है तो वो पता चले, ताकि और ना फैले। सर, क्या लागत आई है इसके लिए और कब से काम शुरू हो जाएगा? नहीं, ये अभी आज तो चालू हो जाएगी, एक दो दिन स्टैंडर्डाइजेशन में लगेंगे, तो ये लगभग पूरे सेटअप में लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा सरकार का लगा है। और ये स्टाफ अभी यहाँ तैनात हो गया है, तो ये भी टेस्ट होगा, जैसे आईवीआरआई में टेस्ट हो रहे हैं उसी तरह से यहाँ भी टेस्ट होंगे। तो लबोलबाब ये है कि सरकारी कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाएं और टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा हों, और स्थानीय हो जाएं तो जल्दी हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे। सर, आपने कोविड-19 सर पिछली बार आपने कहा था कि नहीं, अब इन्होंने हाँ 400 इनको बोला है, अब 400 से बढ़ा के इसको 500 करने की कोशिश कर रहे हैं कि 500 सैंपल पर डे होने चाहिए। ये मैंने इनसे भी कहा, अभी ये 300 के आसपास पहुँचे हैं, 500 सैंपल होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश कर रहे हैं सैंपल के लिए मशीनें बढ़ाने की बात करी है, ताकि और जहाँ सेंटर भी और खोल दिए जाएँ जहाँ पर सैंपल लिए जा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाए। अभी ये जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे कोविड-19 के रोगियों की जाँच की जा सकेगी। प्रारंभ में लगभग 100 रोगियों की प्रतिदिन जांच की जा सकेगी। वर्तमान में भी हमारे यहाँ आईवीआरआई में आरटीपीसीआर लैब संचालित है, वो लगभग 800 सैंपल करते हैं, हमारे अलावा बदायूं के भी सैंपल करते हैं, और हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में ट्रू नेट की भी लैब, तो इस लैब के और स्थापित होने से अधिक संख्या में सैंपल करके डायग्नोसिस करी जा सकती है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।